दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं 18x25 का हाउस प्लान। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे हाउस प्लान, और अगर हम इसकी चौड़ाई की बात करें तो 18 फीट है और लंबाई की बात करें तो 25 फीट है। तो ये पूरा मॉडल है, आप देख लो यहाँ से फ्रंट से आपको ऐसा दिखने वाला है, और अगर हम बात करें टॉप से तो आप ऐसे देख सकते हैं। अगर इसको हम ट्रांसपेरेंट करके आपको दिखाते हैं तो आप देखिएगा, ट्रांसपेरेंट मैं जैसे करता हूँ तो और भी बेहतरीन मॉडल दिखता है आपको। अगर आप दीवारें हाइड हो जाती हैं, मतलब ट्रांसपेरेंट हो जाती हैं, और आप ऐसा मॉडल देख पाते हैं। तो इसी को आज हम डिस्कस करेंगे, पूरा प्लान, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर एंड सेकेंड फ्लोर। तो बने इस रूम लगातार, और दोस्तों मैं हूँ पवन छागड़े और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्मॉल हाउस प्लान। और यदि आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे आपको वीडियो मॉडल मिल जाते हैं, 20x50, 18x30, 12x35, मतलब अलग अलग साइज के मॉडल मिल जाते हैं। जो भी आपकी सुटेबल, वो देख कर आप एक आइडिया ले सकते हैं और उसको अपना इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, बनवा सकते हैं। तो चलो हम लोग डिस्कस करते हैं इस प्लान को। चलो इसकी ट्रांसपेरेंसी हम रिमूव कर लेते हैं, और जैसे आप ट्रांसपेरेंसी रिमूव करते हैं फिर से ओरिजिनल मॉडल आ जाता है ऐसा। अब हम इसका डिस्कस करेंगे ग्राउंड फ्लोर सबसे पहले। तो जैसे मैं ग्राउंड फ्लोर पर जाता हूँ, आप ये देख सकते हो ग्राउंड फ्लोर ऐसा आपको दिखने वाला है पूरा मॉडल। तो इसका जो मेन गेट मैंने रखा है ये वाला है दोस्तों, इसका मेन गेट, इसके साइड में एक विंडो दे रखा है मैंने। जैसे मेन गेट से एंट्री करते हैं तो सबसे पहले आपको ये बड़ा सा हॉल टाइप मिलता है, जिसमें मैंने ये सीढ़ी स्टेयर्स को मतलब कि यहाँ से दिया है, आप यहाँ से ऊपर जा सकते हैं। और जैसे यहाँ पर आते हैं सामने आपका ये एक बहुत बेहतरीन शोरूम है। इसका अगर साइज आपको देखना है तो आपको आना होगा दोस्तों इस वेबसाइट पर, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जिसका नाम है smallhouseplan.com। इसमें आप पूरा साइज इसका देख सकते हो। ये रूम जो था ये है 11.9x10.10 का, ये वाला रूम जो हम लोग देख रहे थे मॉडल में, ये वाला, ठीक है। तो पूरा साइज यहाँ पर इस वेबसाइट पर दिया होता है दोस्तों, हर एक चीज का पॉइंट में। तो आप साइज देखने के लिए इस वेबसाइट पर विजिट कर, और भी मोर डिटेल अगर आपको पानी तो इस वेबसाइट पर आ सकते हैं आप। और अगर हम बात करें, ये तो आपका एक बेहतरीन बेडरूम, अगर यहाँ इस वाले पोर्शन की बात करें तो ये किचन है दोस्तों। इसका साइज देखना है तो आप वेबसाइट पर जाए। अब इस वाले जो रूम का गेट है, मैंने ये 3 फिट का यहाँ पीछे से किचन बनाया, तो ये जो एरिया बचता है यहाँ से मैंने गेट दिया है, और किचन का ये एरिया है, वेंटिलेशन के लिए ये मैंने एक राउंडेड विंडो दे दिया। इसका रीजन ये है दोस्तों, मैंने यहाँ से क्यों दिया इसका मेन गेट, इसका रीजन ये क्योंकि अगर इनकी बात करें तो ये आपका बाथरूम है, ये आपका टॉयलेट है, ठीक है, लेटरिन है, और ये आपका बाथरूम है। तो मैंने गेट इसलिए नहीं दिया कि बाथरूम की वजह से, इसलिए साइड में कर दिया, लेकिन यहाँ पर एक विंडो दे दिया है इस रूम की वेंटिलेशन के लिए। और ये आपका बाथरूम के लिए मेन डोर है, और ये आपका टॉयलेट के लिए। तो ये पूरा मॉडल है, ये स्टेयर्स हैं आपकी साइड में खुलेंगी। तो ये तो होगा ग्राउंड फ्लोर। अगर हम फ्रंट से देखें तो ये एक राउंडेड विंडो दे दिया है मैंने वेंटिलेशन के लिए, ये थोड़ा डिजाइनिंग कर दिया है। तो ये पूरा मॉडल हो गया आपका 18x25 का ग्राउंड फ्लोर। अब हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट फ्लोर। तो फर्स्ट फ्लोर जैसे आते हैं आप फ्रंट से ऐसा देख पा रहे होंगे, ऐसा देखते हैं तो ऐसा आपको दिखेगा। और जैसे स्टेयर्स से आप ऊपर आएंगे तो आपको ये मिलेगा हॉल, और इसके बाद आपका जो यहाँ पे किचन था ये मैंने पूरा एक रूम बना दिया है दोस्तों। अगर आप चाहें, इसकी 12 तो इसकी लंबाई है, लेकिन चौड़ाई की बात करें 18, तो टोटल 9-9 फिट के लगभग कमरे 12x9, 12x2 निकल आएंगे। आप चाहें तो एक भी रख सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। तो इस वाले रूम की अगर बात करें तो यहाँ से तो आप मेन एंट्री इस रूम की है, ठीक है, और एक ये रूम बहुत बड़ा सा है लगभग 13x9 का, ठीक है। तो यहाँ की एंट्री हमने यहाँ पर गेट दिया है, आप यहाँ से एंटर कर सकते हैं। और इस रूम के लिए या तो आप इस रूम से आपको गेट देना पड़ेगा, या तो आप इसको इस रूम से गेट देना, अगर इस रूम में जाना है तो आप यहाँ पे या तो डोर लगाएं, या तो यहाँ, मैंने यहाँ पर लगाया है, आप यहाँ से इस रूम पर जा सकते हैं, इस पर आप डायरेक्ट जा सकते हैं। और ये बालकनी दे दी है मैंने 2.5 फिट की लगभग बालकनी, और इसमें ये गेट दिया जिससे आप बाहर निकल सके, और ये विंडो है वेंटिलेशन के लिए। और इस वाले रूम के लिए ये एक विंडो है राउंडेड वाला, जैसा कि मैंने नीचे सेम टू सेम दिया था, तो ये राउंडेड विंडो है। और इस रूम के लिए एक विंडो ये और दे रखा है मैंने, और इस वाले रूम के लिए मैंने ये एक विंडो दे रखा है। तो ये पूरा हो गया आपका सेकेंड फ्लोर। अब हम बात करें थर्ड फ्लोर पे, तो यहाँ पर मैंने कुछ भी नहीं बनाया, सिर्फ आप स्टेयर्स को ढक दिया इसमें, बरसात में कोई पानी वानी ना जाए। तो ये पूरा मॉडल था, आप देख पा रहे होंगे विद, और ये थोड़ा जो दीवार बैनिंग बनाई है ये डिजाइनिंग बना दी है। ये पूरा मॉडल था जो कि मैंने आज डिस्कस किया, जिसका प्लान था 18x25। और इसको अगर आपको पूरा इसका साइज देखना है तो आप इस वेबसाइट पर विजिट करें, विद इमेज यहाँ पर दिया गया कितने बाई कितने के रूम हैं,
सब कुछ आपको यहाँ बताया गया है। और साथ ही साथ इस वेबसाइट पर वीडियो भी देख सकते हैं जिसका नाम है smallhouseplan.com। तो प्लीज़ दोस्तों, ये मॉडल आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ये एक सब्सक्राइबर थे, उन्होंने बोला था कि मुझे सर ये मॉडल का साइज चाहिए, तो मैं उन्हीं कहने पर ही बनाया है। तो प्लीज़ दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर आपका भी कोई मॉडल है मैं कमेंट करें, मैं सभी के मॉडल तो नहीं बना पाता हूँ, बट किसी ना किसी एक का मॉडल जरूर डिस्कस करता हूँ। तो प्लीज़ दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कर दें और चैनल